नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज का जो वीडियो अपना वो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है उसके बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम डेट क्या रह सकती है, सिलेबस क्या रह सकता है और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कितनी लगभग वैकेंसी आपके यहाँ पर आ सकती है। तो सबसे पहले हम संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड के जो बात करते हैं कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है इसका। तो इसका एग्ज़ाम देने के लिए देखो आपको कोई भी विशेष योग्यता नहीं रखनी है, आपको जो सामान्य बीएड कर रखी है ना, जिसने जो आपने अभी थर्ड ग्रेड वाला एग्ज़ाम दिया था वो सारे स्टूडेंट इसका भी दे सकते हैं जिसने सामान्य बीएड कर रखी है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि संस्कृत शिक्षा विभाग है तो संस्कृत से बीएड मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य बीएड वाले हर एक स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी बात जो है, एग्ज़ाम कौन दे सकता है, जिसने रीट पात्रता ले रखी हो, ठीक है। रीट पात्रता जो जुलाई में हुई थी वो अगर आपके पास है तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। जुलाई वाले अगर रीट पात्रता आपने ले रखी है तो उसमें आप एग्ज़ाम इसका दे सकते हो। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कि जिसने भी सामान्य बीएड कर रखी है। इसमें कोई विशेष बीएड नहीं मांगते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग है तो संस्कृत में बीएड मांग रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपके पास क्या रीट पात्रता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें हम कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखो नोटिफिकेशन इसका कब का आ जाता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इसमें क्या रूल चेंज होंगे, ठीक है। नियमों में संशोधन करना पड़ेगा और नियमों में संशोधन अभी क्या है, प्रक्रिया चल रही है इसकी, तो वो नियमों में संशोधन होने के बाद में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन एक ईमानदारी से एक सच्चा बात बताऊं मैं आपको, तो अभी इसका नोटिफिकेशन क्या है सितंबर में आ जाना चाहिए था, जिसके चांस 5% लग रहे हैं। कारण ये है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, आरएसएसबी बोर्ड, ठीक है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इसका एग्ज़ाम करवाएगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड फिलहाल क्या है, व्यस्त है, किसमें, जो अभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी चल रही है उसमें क्या है, प्रोसेस चल रही है जो फाइनल रिजल्ट की और ज्वाइनिंग वगैरह की, तो उसमें बिजी है। प्लस क्या है, आरएसएसबी बोर्ड अभी वर्तमान में बहुत जो है ना के बराबर क्या नई वैकेंसी या नई विज्ञप्ति निकाल रहा है, तो उसके कारण लग रहा है कि हो सकता है कि आचार संहिता से पहले इसका जो है नोटिफिकेशन जारी ना हो। बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर हो सकता है जारी कर दे आरएसएसबी बोर्ड, लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या है, आप पॉजिटिव लेकर चलें, इसका नोटिफिकेशन हो सकता है आचार संहिता से पहले आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये आप इतना ध्यान रखना कि इसका एग्ज़ाम जो है थर्ड ग्रेड में सबसे पहले इसी का होगा। मतलब थर्ड ग्रेड की जो सामान्य शिक्षा की वैकेंसी आती है वो बहुत आगे जा कर आने वाली है, पात्रता पहले ज़रूर आ सकती है, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है वो लेट होगा। तो जो थर्ड ग्रेड के नाम पर जो वैकेंसी आएगी वो लगभग यही आएगी। और इसका जो है नोटिफिकेशन आप आचार संहिता से पहले मान सकते हो, क्योंकि प्रयास चल रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन चांस क्या है, ऐसा नहीं है कि 100% ही आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो इसका हम नहीं कह सकते कि आ ही जाएगा। तो फिर भी आप क्या, आचार संहिता जो कि 6 से 10 अक्टूबर के बीच में कभी भी लग सकती है, तब तक का वेट करें। अगर नहीं आता तो फिर ये आगे चला जाएगा दिसंबर जनवरी फरवरी में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन क्या अगले साल ज़रूर आ जाएगा। अगर अब नहीं आ पाता तो चुनाव के जस्ट बाद में आ जाएगा, ठीक। और नोटिफिकेशन में पोस्ट की बात करें तो लगभग 2000 प्लस पोस्ट होगी इसमें, ठीक है, और 1000 प्लस पोस्ट सिर्फ साइंस मैथ के, इनमें से 1000 प्लस पोस्ट किसके है, साइंस मैथ के। तो साइंस मैथ वालों के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, एक अच्छी वैकेंसी है। मान लो कि जो एकदम किनारे पर रह गए इस बार, या फिर जो दोगुना में है फिर फाइनल नहीं हो पाएगा जिनका, उनके साइंस मैथ वालों के ये थोड़ी सी मेहनत करने पर हाथ आ सकती है ये वैकेंसी, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस सेम जो थर्ड ग्रेड सामान्य शिक्षा वाला है वो ही रहेगा, सामान्य शिक्षा वाला। इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि नियमों में संशोधन नहीं होना, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है आरएसएसबी बोर्ड वाला, वो ही संस्कृत डिपार्टमेंट वाला थर्ड ग्रेड है, इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। बात एग्ज़ाम की करें तो एग्ज़ाम देखो मेरे हिसाब से बात बता रहा हूँ आपके, 2024 लास्ट तक हो जाए तो ठीक है, ठीक है, इससे पहले नज़र नहीं आ रहा 2024 लास्ट से पहले। कारण यह है कि नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है, और बहुत कम चांस है कि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप दिल पर मत लेना, अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आचार संहिता से पहले तो हो जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले जारी हो जाए, लेकिन बहुत सारे मैं आपको देख रहा हूँ साइंस मैथ के नाम पर पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब वाले, ऐप वाले, कोर्स बेच बेच कर। तो उसके बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी मेरे हिसाब से क्या है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो संस्कृत थर्ड ग्रेड भर्ती है वो क्या है, इस साल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन आ जाए वो भी बड़ी बात है इस बार, ठीक है, क्योंकि नियमों में संशोधन हुआ है, आचार संहिता से पहले जारी हो गया तो ठीक है, वरना फिर 2-3 महीने तो एकदम बंद हो जाएगा सब कुछ नया जो नोटिफिकेशन वगैरह। तो इसलिए इसका जो एग्ज़ाम है वो 2024 लास्ट में होता हुआ दिख रहा है, इससे पहले होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत डिपार्टमेंट जो संस्कृत विभाग थर्ड ग्रेड के नाम पर बहुत सारे जो हैं
यूट्यूब वाले और कोर्स वालों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम 2024 लास्ट में जाता है ना, तो इसको आप क्या, मेरे हिसाब से आपको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड को ही एम बनाना चाहिए। जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि थर्ड ग्रेड के चक्कर में आप फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड को भूल मत जाना। और ये थर्ड ग्रेड तो कोई पूरी वैकेंसी भी नहीं है, मात्र 2000 पदों पर एक छोटी सी वैकेंसी आएगी। अगर 1000 पद क्या है सेकेंड ग्रेड में आए ना, वो अलग बात होती है, वहाँ पर क्या है 1000 पद बहुत होते हैं, लेकिन 1000 पद रीट में कोई मायने नहीं रखते, इतना इजी पेपर का लेवल होता है इसका, ठीक है। तो फिर बुक लिस्ट की बात करें, तो जो अगर जिसने ठान ही यही रखा है कि मेरे को थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट आती है वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको पता ही है एनसीईआरटी से ही कवर हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो साइंस मैथ हो या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो एसएसटी वगैरह हो। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस जो है साइकोलॉजी वगैरह के लिए आपके पास बहुत सारी कलाम अकेडमी की जो है रीट की परीक्षा विशेषांक वगैरह है, तो उनसे काम चल जाएगा, ठीक। तो लेकिन मेरा एक जो है आपको सलाह है, वो मैं आपको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट की बता रहा हूँ मैं, बाकी मैं जो जीके वगैरह है वो आपके जहाँ पर अच्छा लगे जो भी कोचिंग के नोट्स हैं या बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन हम सब्जेक्ट की बात करें तो उसको आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़े से क्लियर कर देता हूँ आपको, देखो दिल पर तो लेना मत। देखो थर्ड ग्रेड है ना जो साइंस के डिपार्टमेंट वाली, ये भर्ती 2024 लास्ट में होती हुई नजर आ रही है। अब कोई आपको कोर्स बेचने के चक्कर में ये बता दे कि यार अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, चुनाव होते दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो वो बहम आप जो है दिमाग से वहम निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 2024 लास्ट में ये जाती है, पोस्ट इसमें 2000, ठीक है, 2000 मान के चलो, 2200-2300 भी आ सकती है। 2000 में से जो है साइंस मैथ की 1000 पोस्ट है मान लो, फिर भी अगर साइंस मैथ वाला अगर कोई स्टूडेंट अच्छा खासा मतलब इस बार गलती से रह गया, वो तैयारी करना चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन जो 7-8 हज़ार की वैकेंसी अभी आई थी उसके मुकाबले 1000 पद कुछ भी नहीं है, और थर्ड ग्रेड में तो कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब थर्ड ग्रेड का सिलेबस इतना ईजी होता है, बड़ा भले ही हो ईजी होता है, ईजी का मतलब लेवल नहीं होता क्वेश्चन का मैथ का, और जो मतलब मैथ वाले स्टूडेंट के लिए मैथ हार्ड नहीं होती, साइंस वाले के लिए साइंस हार्ड नहीं होती। और आपका टॉप जो हिंदी वगैरह की तो देख ही सकते हो, 230-240-40 गई है इस बार इतनी इतनी पोस्ट में भी। तो 2000 पोस्ट कोई मायने नहीं रखती थर्ड ग्रेड में, कारण सबसे बड़ा यही कि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं होता, हार्ड का मतलब अब ये ज्ञान मत देने लग जाना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की आदत होती है वो कमेंट में आकर थोड़ा सा अपना दिखाते हैं। हार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप तैयारी करो एक साल से, और एक स्टूडेंट बीच में एक महीने में आया लास्ट में, और वही निकाल के ले गया एग्जाम, ऐसा एग्जाम होता है थर्ड ग्रेड वाला। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है ना, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि लास्ट के एक महीने में पढ़ कर निकाल लूंगा मैं, तो वो हार्ड से मतलब मेरा वो है, ऐसा नहीं है कि आपके 200 में 190 कट ऑफ रह रही है और हार्ड हो गया, वो हार्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो देखो पेपर का लेवल इतना नहीं होता जिसके कारण 200 या 1000 पोस्ट मायने नहीं रखती, और यही 1000 पोस्ट अगर सेकंड ग्रेड में किसी सब्जेक्ट में हो ना तो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो मेरा यही मानना है अगर 2024 लास्ट में अगर ये एग्जाम जाता है तो आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, थर्ड ग्रेड के चक्कर में आप क्या सभी को खोदोगे, इससे अच्छा आप या तो सेकंड ग्रेड को अपना टारगेट बनाएं या फिर क्या आप फर्स्ट ग्रेड को अपना टारगेट बनाएं। तो कुल मिला के देखो सच्चाई यही है। अब कोर्स बेचने के लिए कोई आपको कोई ट्विटर पर ट्रेंड चला दे, कोई कुछ भी करवा दे, वो अलग बात होती है, और आप अगर उनका मानना चाहो तो बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन सच्चाई जो नज़र आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि संस्कृत थर्ड जो डिपार्टमेंट है ना थर्ड ग्रेड भर्ती, पहले तो वो सामान्य जो है बीएड वाले दे सकते हैं जिसकी रीट पात्रता क्लियर है वो, ठीक है। नोटिफिकेशन इसका क्या है, आचार संहिता से पहले आने के 5% चांस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता 15 दिन में है और अधीनस्थ बोर्ड फिलहाल इतना बिजी है कि कोई नया नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं रहा। फिर भी अगर आशा करते हैं कि आचार संहिता से पहले आपकी क्या है इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। पोस्ट लगभग 2000 प्लस बता रहे हैं और 1000 प्लस पोस्ट सिर्फ और सिर्फ साइंस मैथ की बता रहे हैं, ठीक। बाकी जो है सिलेबस वो थर्ड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा वाला वही रहेगा जो आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। एग्जाम मेरे हिसाब से आपका 2024 लास्ट में हो जाएगा अगर नोटिफिकेशन टाइम पर आ गया तो, ठीक है। यहाँ भी एग्जाम हो ये जरूरी नहीं है, अगर अब आता ना नोटिफिकेशन तब जाके ये एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर 2024 तक जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता आचार संहिता के बाद आता है चुनाव होने के बाद में, तो फिर एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कब हो और कब नहीं हो, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड ने अपने कैलेंडर में ऐसा कोई एग्ज़ाम मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि 2024 लास्ट में अगर ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, मैं नहीं बोल रहा आपको कि ये थर्ड ग्रेड की तरफ जाओ, क्योंकि इससे हाथ धोलोगे किसी यूट्यूबर के या किसी कोर्स बेचने वाले के चक्कर में अगर आप इसकी तैयारी में लग जाते हो, वो आपका पर्सनल निर्णय है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेटर रहेगी।
क्योंकि मैंने खुद ने जो है संस्कृत जो ये थर्ड ग्रेड है इसकी लास्ट 15 दिन पढ़ाई की थी, फिर भी मेरा क्या है क्लियर हो रहा है और कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है साइंस मैथ में, ठीक है। लेकिन सेकेंड ग्रेड में अगर मैं सेम सिचुएशन में होता और 15 दिन या एक महीने या दो महीने भी पढ़ लेता ना, फिर भी मेरे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का लेवल इतना बेटर होता है कि पढ़ने वाला निकलता है इजिली, और थर्ड ग्रेड का एग्जाम का लेवल इतना मतलब निम्न स्तर का होता है कि पढ़ने वाला भी उतने ही रहता है और नहीं पढ़ने वाला, पढ़ने वाला 200 ले आता है, नहीं पढ़ने वाला 198 ले आ जाता है, और एक पढ़ने वाला तो दो गुना में नहीं आ पाता है। तो ये क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंस नहीं कर पाता कौन पढ़ कर आया कौन नहीं पढ़ कर आया, इसलिए 1000 पोस्ट कोई मायने नहीं रखती थर्ड ग्रेड में। इसलिए मेरा यही कहना है आपको, बाकी आपका अपना सेल्फ निर्णय, कि थर्ड ग्रेड की जगह आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड को ही पकड़ें। तो धन्यवाद बने जीओ स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले आपको संस्कृत डिपार्टमेंट जो थर्ड ग्रेड है उसकी विज्ञप्ति देखने को मिले, जिसके चांस बहुत कम लग रहे हैं। धन्यवाद।